ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी। दोनों बुकिंग्स के पेपर आ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लेना था? मैं तो एक हेलमेट ले रहा हूँ। हेलो दोस्तों, दिस इज डिजिटल मीडिया। दोस्तों आज हम जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम, क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है रॉयल एनफील्ड हंटर 350, तो वो बाइक शोरूम आ चुकी है, तो उस बाइक को आज कवर करने जा रहे हैं। वैसे मैंने उसकी डिटेल वीडियो एक बनाई है, कुछ रिसेंटली अपलोड भी की थी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो फटाफट से पहले पहुँचते हैं अपन विश्वेश्वर जी के घर, उनको पिक करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं फॉरेस्ट चैम्पियन पे जा रहा हूँ, मतलब BMW कहाँ गई? तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, BMW मेरी हो गई है सेल, मैंने उसको सेल कर दिया है। क्योंकि देखो मेरे को बाइक स्विच करनी थी, मेरी एक आदत, मतलब आप आदत ख़राब समझ लो, कुछ भी समझ लो, मतलब मैं ज़्यादा दिन कोई भी बाइक रखता नहीं हूँ। तो उस चक्कर से उसको जितना मेरे को यूज़ करना था मैंने कर लिया, और कल ही मतलब सैटरडे को ही वो मैंने बाइक दी है उसके न्यू ओनर को। तो कुछ रीजंस की वजह से मैंने उसका व्लॉग बनाया नहीं। खैर कोई नहीं, अब जो जाना था जो वो चला गया, अब न्यू क्या आने वाला है बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। बस कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली बिजनेस को लेके मैं कुछ ज़्यादा ही थोड़ा उलझ गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही पेंडिंग्स काम हो गए, तो उस चक्कर में मैं बर्थडे पे भी बाइक ले नहीं पाया। तो देखते हैं ये इस मंथ के लास्ट तक या फिर सितंबर में प्लान करते हैं एक बाइक लेके आते हैं। अब वो कौन सी आएगी वो तो उसी टाइम पता चलेगा। देखो दो चार बाइक्स तो मैंने देख रखी है, अब लेके कौन सी आऊँगा उसका तो कुछ कह नहीं सकता मैं। तो देखते हैं अगस्त लास्ट वीक में या सितंबर सेकंड वीक तक प्लान करते हैं बाइक लाने के लिए। दोस्तों हम शोरूम आ गए हैं और ये रही वो दोनों बाइक जिसके लिए हम आई थोड़ी देर में हम आ गए। ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी, ये भी, ये हमारे लक्ष्मेंद्र भैया, ये तो यही पे। तो दोस्तों ये रही दोनों बाइक, अब थोड़ी देर में मतलब अब इसका रिवील करने वाले हैं। दिक्कत ये हो गई रास्ते में, हम हो गए थोड़े से गीले क्योंकि बारिश आ गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। और इस वजह से हमारे काफ़ी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो लोग आ नहीं पाए, तो बस थोड़ी देर का इंतज़ार है, फिर ये दोनों ब्यूटी को रिवील करते हैं। बस कुछ ही देर और है दोस्तों बाइक रिवील में, आप देख सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, तो सिर्फ 8 मिनट का इंतज़ार और उसके बाद बाइक को रिवील करते हैं, और फिर आपको प्रॉपर एक बार और डिटेल में आपको बता देता हूँ उस बाइक के बारे में। दोस्तों बाइक लॉन्च से पहले ही 2 बुकिंग हो चुकी है हमारे ग्रुप मेंबर्स की। एक बाइक बुक करा रहा है ये बंदा हमारे विशु भैया, और दूसरी बाइक बुक करा रहा है ये रहे। तो ये दोनों पहली बुकिंग है जोधपुर की, और पहली डिलीवरी की बाइक एक साथ ही होगी, अभी होगी, अभी आता तो हाथों भाई दोनों लेके जाएंगे घर पे। दोनों बुकिंग्स के पेपर आ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लेना था? मैं तो एक हेलमेट ले रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री में। आप लोग अपना देख लीजिए। अपन एक काम करें क्या, इनको साथ ले जाओ। हाथ तो उन्हें गवल ला रहे हैं, वापस बोलो। मेरे घर पे मेरी लुगई है ना, आप साथ ले जाए। हम साथ नहीं ले जाए, कॉम्प्लीमेंट्री में इन्होंने हेलमेट ले लिया, मैं क्या लूँ, तो सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो अपलोड मत कर दियो, मैं ध्यान पड़ जाए नहीं पाऊंगे ला वो तो चुपचाप ही होगा जी। विशु भी यार तेरे चाचा रहो, मैं भी मरे ला भी वो तो यार ध्यान ना दियो। सेकंड बाइक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, नई बाइक नहीं, ये तो हर घर की कहानी भाई, ये तो हर घर की कहानी है, नहीं मारे घर में। दोस्तों इंतजार खत्म, अब बाइक को रिवील करने वाले हैं। तो हमारे चंद्रवीर जी और विशु भैया के हाथों से बाइक रिवील हो रही है। हमारे विशु भाई की अब तो पहली बाइक बनती है भाई जोधपुर की, क्योंकि इन्हीं के हाथों से बाइक रिवील हो रही है। क्या लक्ष्मेंद्र जी, इनके हाथ से बाइक रिवील करा रहा हो, तो मतलब ये पहली बाइक इन्हीं की आनी चाहिए। तो दोस्तों ये बाइक अनरिवील कर दी है, मतलब बहुत ही सेक्सी लग रही है बाइक। दो कलर तो अभी ये
तीन कलर हैं टोटल यहाँ पे। एक कलर है ये ब्लैक सिल्वर में, और एक ये पूरा सिल्वर टोन है। अभी मैं आपको सिनेमेटिक भी दिखा दूंगा इन दोनों बाइक के। बाइक देखो मतलब एकदम प्रॉपर, ये इन दोनों ने कोल्ड स्टार्ट कर दी है। मतलब बाइक बहुत ही प्यारी, मतलब इसका जो एग्जॉस्ट नोट है बहुत एकदम अल्टीमेट है, एकदम देसी साउंड है। रेव करके थोड़ा सा बता रहे हैं आपको ये बाइक। बाकी भाई साहब बाइक एक नंबर है, मतलब जो लो बजट में जिसको भी ये बाइक चाहिए भाई, पहली मौसम में ये बाइक लो, क्योंकि आपको एक आरी के ब्रांड के साथ में इतनी तगड़ी बाइक मिल रही है जिसकी हद नहीं, तो ये बाइक तो लेना बनता है। जो भी न्यू राइडर हैं या जिनको भी हैवी बाइक नहीं चाहिए, एक पावरफुल मशीन चाहिए वो भी लाइट वेट के साथ, तो आप हंटर के साथ जा सकते हो। आप लोग इसके थोड़े सिनेमेटिक इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों ये है रेट्रो वर्जन मेरे हंटर 350 का। इसमें आपको मिल जाएंगे स्पोक व्हील, जैसे आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग में मैंने बता ही दिया था आपको। मतलब एक इसमें एक चीज़ की कमी है, इसमें आपको मेन स्टैंड नहीं मिलने वाला है। इसमें दो कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मतलब ये बाइक पर्टिकुलर, मतलब जो थोड़े एजेड लोग हैं जिनसे क्या मेन स्टैंड वगैरह नहीं लगता, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि मेन स्टैंड लगाने में देखो थोड़े एजेड लोग हैं तो वो लोग इसको आराम से राइड कर सकते हैं, तो वो लोग भी साइड स्टैंड यूज़ करते हैं, वो मेन स्टैंड लगाने में दिक्कत रहती है, तो इसीलिए इसमें मेन स्टैंड नहीं दिया गया है। और बाकी ये है फिर अपनी मेट्रो, इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे, इसमें आपको मेन स्टैंड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें भी आपको दो कलर वेरिएंट मिल जाएंगे, एक कलर वेरिएंट आपके यहाँ पर है, एक कलर वेरिएंट में भी अभी और दिखा दूंगा आपको। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस मेन स्टैंड और कुछ दोनों के इंडिकेटर्स का फ़र्क आपको मिल जाएगा। इसमें स्क्वायर दे रखे, इसमें राउंड शेप में है, उसमें हैजार्ड सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, इसमें आपको हैजार्ड सिस्टम मिल जाएगा। और ये देख सकते हो आप, इसमें आपको हैजार्ड सिस्टम दे दिया है। अब मैं आपको सुनाता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट, मतलब एकदम डिसेंट थम्पी साउंड है, आप इसको फील कर सकते हो। मतलब बहुत ही प्यारा एग्जॉस्ट नोट आ रहा है बाइक का, हल्का सा मैं इसको रेव करता हूँ। मतलब एक नंबर, मतलब साउंड आ रहा है, मतलब प्योर, मतलब आपको स्कैम्बलर का फील मिल जाएगा इस वाली बाइक पे। और दोस्तों आपको कंपनी से ही एसेसरीज में आपको एक तो बार एंड मिरर मिल जाएंगे, विंडशील्ड मिल जाएगी, क्रैश गार्ड तो आता ही है, आप बैक रेस्ट भी ले सकते हो, तो मतलब ये कुछ छोटी मोटी एसेसरीज भी आपको मिल जाएगी बाइक के साथ में, अगर आप लेना चाहो तो ऑप्शन है आपके पास में। दोस्तों मेट्रो में जो दूसरा कलर है वो ये कलर है, मतलब दोनों ही एकदम डिफरेंट कलर दिए हैं बाइक में, मतलब बहुत ही प्यारा, मतलब एट्रैक्टिव है कलर, ब्लू वाइट के टोन में कलर दिया है इस बाइक में। और उस वाली जो दूसरी वाली थी उसमें ब्लैक सिल्वर का कॉम्बिनेशन दिया है। और मतलब सीटिंग पोस्चर की मैं अगर बात करूं तो मतलब एकदम कंफर्टेबल है, मतलब मज़ा आता है, आप चाहे इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाओ, चाहे आप इसको सिटी राइड में यूज़ करो, सीटिंग भी काफ़ी मतलब कुशनिंग बहुत प्यारी दे रखी है, मतलब आराम से प्लेन को भी बिठा सकते हो, सैडल बैग वगैरह कुछ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं आनी है। और दोस्तों एक रेट्रो और मेट्रो में एक डिफरेंस मिल जाएगा आपको टायर का। मेट्रो में आपको थोड़ा ब्रॉड टायर मिलेगा फ्रंट, और रेट्रो में मिलेगा थोड़ा सा पतला। अब इन दोनों की अगर साइज़ की बात करूँ दोस्तों, मेट्रो में आपको टायर साइज़ मिलने वाली 110/70/17, और यही अगर अपन रेट्रो की बात करें दोस्तों, रेट्रो में आपको टायर साइज़ मिल जाएगी 180/17। तो मतलब ये कुछ छोटा मोटा डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर, मतलब बाकी पूरी इंजन वगैरह सब कुछ सेम है, थोड़े से मतलब इंडिकेटर्स आपको चेंज मिल जाएंगे, टायर साइज़ में डिफरेंस रहेगा दोनों बाइक्स में। और एक आती है मेट्रो रिबेल, वो कस्टम है, उसमें आप
तो उसकी भी मैं डिटेल्स आपको आने वाले ब्लॉग्स में मैं बता दूंगा कि उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों मेट्रो में आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा और मेट्रो में टायर साइज़ है 17 की। और ये अगर अपन रेट्रो की बात करें तो इसमें रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है, फ्रंट में ही डिस्क रहेगा ABS के साथ, और मतलब टायर साइज 18 की है इसके अंदर। तो ये कुछ मेजर चेंजेस दिए हैं रॉयल एनफील्ड ने 100 के अंदर, कि देखो कुछ ना कुछ तो मतलब करना पड़ता है क्योंकि प्राइस में भी लमसम 10 से 12 हज़ार रुपये का फ़र्क है रेट्रो और मेट्रो के अंदर। तो मतलब कुछ आपको ये चेंजेस मिलने वाले हैं, टायर्स हो गए, मतलब साइड स्टैंड हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, कलर ऑप्शन हो गया, तो मतलब बाकी चेसिस, हेडलाइट, सीट वगैरह ये सब आपको लमसम सेम मिलने वाला है। दोस्तों रेट्रो में आपको स्विचेस जो मिलने वाले हैं, जो पुरानी क्लासिक आती थी वो वाले ही स्विचेस हैं सारे, और फ्रंट डिस्क का जो कैलिबर है मेन मास्टर सिलेंडर, ये भी वो पुराने वाले ही मिलने वाला है। और जो मेट्रो वर्जन है, मेट्रो वर्जन में आपको सेम जो मीटियोर और रिबॉन क्लासिक में जो है वही सारे स्विचेस मिलने वाले हैं, ब्रेक्स वगैरह सारे वही हैं, बस ये कुछ है और चेंजेस, बाकी तो लमसम सिमिलर ही है बाइक के। इंजन और चेसिस तो लमसम सिमिलर है। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, फिर मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार मेरे साथ ऐसे बनाए रखो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Mainstream.